बिहार में महागठबंधन सरकार में भागीदार बनी आरजेडी नेता विवादित बयान देकर लगातार सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, जिसके चलते कई बार महागठबंधन सरकार में भी तनातनी देखने को मिलती रहती है। ताजा मामले में आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक यदुवंश कुमार के बयान से एक बार फिर बिहार की राजनीति का पारा चढ़ गया है। दरअसल यदुवंश यादव ने अपने बयान में ब्राह्मणों को ही देश के बाहर का बता दिया। वो इस देश का नहीं है, इस देश के हम निवास हैं। वो इंग्लिशियन है, आज के वैज्ञानिक युग में उसके डीएनए का टेस्ट हुआ। एक भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है, उसका डीएनए जब टेस्ट हुआ है तो ये यूरेशियन उनका है, तो रशियन उनका ये लोग है। यहाँ से आ करके हम लोग आपस में मिला करके लड़ा करके झगड़ा करके आप ये शासन सत्ता करने का काम कर रहा है और हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जैसे वहाँ से उसको भगाया गया है इसके आतंक से, उसी तरह यहाँ से हम लोगों को यहाँ से उसको भगाना होगा। यदुवंश के इस बयान पर ब्राह्मण महासभा ने गहरी नाराजगी जताते हुए यदुवंश कुमार से अपना बयान तुरंत वापस लेकर माफी मांगने की बात कही। साथ ही नीतीश सरकार को चेतावनी दे दी कि अगर ऐसे बयानबाजों पर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे बिहार में उग्र आंदोलन होगा। देखिए मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से यदुवंश यादव जी को बताना चाह रहा हूं और उनके शीर्ष उसके जो शीर्ष नेता है उन तक मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि एक तरफ आप ए टू जेड पार्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आप जगह नहीं दे पा रहे हैं या उनकी स्थिति मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और उल्टा पुल्टा बयानबाजी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस तरह का हम बयानबाजी करके अपना पार्टी में जगह बनाएं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यदुवंश यादव जी को ये बताना चाहूँगा कि आप चूँकि पिछले बार चुनाव हार गए थे तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं चल रही है, अपना इलाज कराइए और आपको इतिहास पढ़ने की भी जरूरत है। आप इतिहास पढ़िए कि ब्राह्मण का क्या योगदान रहा है इस हिंदुस्तान को संवारने में, आपको भली भांति पता है, आप ये जान रहे हैं। और इस तरह का कंट्रोवर्सी बयान दे करके आप मीडिया की सुर्खी में जो छाना चाह रहे हैं ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपस में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल करके आपस में अच्छा सबका मिलना जुलना है, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, इस तरह का स्टेटमेंट आप वापस लीजिए। यदि आप स्टेटमेंट वापस नहीं लीजिएगा तो हम लोग सुपौल में उग्र आंदोलन करेंगे, सुपौल में नहीं पूरे बिहार में। और माफीनामा भी लीजिए आप, नहीं तो आपके ऊपर हम लोग केस करेंगे और इस मुद्दा को लेकर के पटना तक जाएंगे, आपके नेता तक, नहीं तो आप बयानबाजी इमीडिएट बंद कर दीजिए। इस तरह का कंट्रोवर्सी आप पहले भी आपने स्टेटमेंट दिया है और आज भी आप दे रहे हैं, इसको वापस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अपना इलाज भी कराइए। आपको और दिक्कत इलाज कराने में तो हम लोग मिलकर के आपका इलाज करवा देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कहा कि आरजेडी नेताओं में बेतुके बयान देने की होड़ मच गई है, यदुवंश जी की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि आरजेडी नेताओं के अपने सलाहकार मनोज झा जी से पूछना चाहिए कि वो कहां से आए। महागठबंधन के नेताओं में होर लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा विवादित बयान दे सकता है, उसी के तहत इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनका मानसिक स्थिति बिगड़ जाता है। वही ऐसा बोल सकते हैं कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं, ब्राह्मण यहाँ के मूल वासी हैं, ब्राह्मण दूसरे समाज को संस्कार सिखाते हैं और ये कह रहे हैं कि बाहर से आ गए, इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको भेजना पड़ेगा बाहर। के हम तो पहले भी एक दो जगह बोले हैं कि जो लोग हम समझते हैं कि जो राजद के सलाहकार हैं मनोज झा जी, इनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब। और संजय झा जी हमारे इस इलाके के मंत्री भी हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं, उनसे पूछना चाहिए इस सवाल का जवाब कि भाई क्या कर रहे हैं। जवाब तो वही लोग सही देंगे, ब्राह्मण यहाँ के स्थायी हैं कि विदेशी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया था। चंद्रशेखर के बयान के बाद मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और मंत्री आलोक मेहता ने स्वर्णों को लेकर विवादित बोल बोले थे। इसी कड़ी में आरजेडी के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव यदुवंश कुमार यादव ने एक विवादित बयान देकर बिहार के सियासी पारे को बढ़ा दिया है।